इंडिया के स्टेट पंजाब में कपूरथला में इस मस्जिद को बनवाया था कपूरथला के अंतिम शासक महाराजा जगतजीत सिंह जी ने। कपूरथला उस समय कपूरथला राज्य की राजधानी थी जिसे पंजाब के मिनी पेरिस के रूप में जाना जाता था। अंजना जी को यहाँ पे कोई फ्रूट मिला है, अभी हम देख रहे हैं कौन सा फ्रूट है और उसको खाना कैसे होता है। मॉरिश बॉस, द एपिटोम ऑफ टैलेंट, आर्ट एंड वर्कमैनशिप। द मॉरिश मॉस्क 1930 में बनी थी और ये पंजाब के सेकुलर ट्रेडिशंस की एक ग्रेट एग्जांपल है। कपूरथला का विजिट इस मास्टरपीस को देखे बिना अधूरा है, जिसे कि फ्रेंच आर्किटेक्ट एम मेंटू ने डिजाइन किया था। हम पहुंचे हुए हैं मॉरिश मॉस्क पर, मेंटेनेंस वही वाला प्रॉब्लम है सबका। इधर भी बहुत अच्छी जगह है, अगर इसको मेंटेन किया जाए तो बहुत सुंदर है। देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग, बट मेंटेनेंस नहीं। उस तरफ भी है कुछ। आप इस गुलाबी पत्थर की मस्जिद को देखकर दंग रह जाएंगे, जो कि इंस्पायर्ड है द ग्रैंड मॉस्क इन मराकेश मोरक्को से। मस्जिद में एंटर करते ही संगमरमर के फर्श वाले गलियारे से होते हुए पहुंचते हैं रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जैसे जगह है यहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, उसके पीछे मुक्तदी सब में खड़े हो जाते हैं और ये मिंबर जो है इसमें खुतबा देते हैं जुमा के लिए। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल खालिक। और आप कहाँ से हैं? बिहार से। आप देखने आए हैं? जी जी, हम भी देखने आए हैं, हम भी मुसलमान हैं। अच्छा, पहली बार आए हो आप यहाँ? इधर पहली बार आए हैं, मस्जिद में तो पहली बार। तभी आपने हमें अच्छे से बता दिया जी। और इसके ऊपर बस वो जाके एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, इसके ऊपर जाके वो खुतबा देते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। वैसे जुमा के दिन होते हैं ना, तो डेढ़ घंटा पहले, एक घंटा पहले अजान होती है, उससे पहले इमाम साहब आ जाते हैं। अजान के बाद जो है इमाम साहब सबको समझाते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में, गॉड के बारे में जो है, उसके बारे में हर चीज़ समझाते हैं। उसके बाद जो है फिर इमाम साहब बताते हैं नमाज कैसे पढ़नी है, सबको समझा के फिर वो खुतबा देते हैं। खुतबा दे करके नीचे आके नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे वो मौलाना ही जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई जाएगा तो उसे इजाजत लेके जाना। अच्छा, जैसे इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबा मौकूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर फर्ज है अपने मुकर्रर वक्तों पर। औकात नमाज ऊपर लिखे हैं, जैसे फजर की नमाज जो होती है ना सुबह की, इसका टाइम दिया है 5 बजे। उसके बाद जोहर दिया है, इसका टाइम दिया है 2:25। उसके बाद दिया असर 5:15, मगरिब 6 बजे और ईशा, ईशा का दिया ना तो इसका दिया 8:45। और खुतबात जुमा जो अभी बताए ना, वहाँ हम सब कह रहे जो खुतबा देते हैं सुबह ही वो 1:30 एक पीस के। उसके बाद यह सब शुरू हो जाते हैं रमजान में, गुरुबे आपका गुरुबे आपका खत्म से ही ये सब रमजान में शुरू। तो इनकी भी टाइमिंग होती है कोई? जी जी, इनकी भी टाइमिंग होती है, अभी खोल दी है, जैसे रमजान शुरू हो जाएगी ना तो उसमें ये लगा देते हैं। तो लोग का मानना मतलब सूरज जिस टाइम निकलता है ना वो तो लोग, और ग्रुप मतलब जिस टाइम सूरज डूब जाते हैं, डूबने का टाइम बताते हैं किस टाइम सूरज छिपने वाले हैं, और तुलू मतलब जिस टाइम सूरज उगता है तब ये लगेगा उसको। जी थैंक यू जी। लगा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चीजों के बारे में, ये मिल गया ना हमें बताने के लिए सब कुछ यहाँ पे, नहीं तो हम भी ऐसे देख के चले जाते। बिल्कुल, यहाँ पे गाइड भी होना चाहिए ना ऐसी जगह पे, जरूर होना चाहिए ताकि लोगों को बता पाए। जी, फिर से बोलना पड़ेगा मेंटेनेंस।
बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं उस तरह कितना लश ग्रीन है, लेकिन अगर इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए कितना खूबसूरत लगे। नींबू, अनार, चाहे क्या क्या लगा हुआ है। पिछली बार जब मस्जिद का रेनोवेशन किया गया था, तब भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2013 के अंत में नमाज अदा करने के लिए मस्जिद का दौरा किया था। यहाँ आने के बाद लगता है कि मस्जिद को रेगुलर मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है। रोमी शरीफ में आज का सफर था हमारा मोरिश मॉस्क। ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए रोमी शरीफ। बाय। सीमा।